नमस्कार, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप डॉट कॉम और ललन टॉप की चुनाव यात्रा की टीम हीरा फिलहाल उदयपुर में है। तरुण कैमरा पकड़े खड़े हैं और निखिल आपको जहां खड़े दिख रहे हैं वो एक दवाखाना है। देखने में जगह वैसी नहीं लगती है लेकिन है। किस चीज़ का दवाखाना है? जैसे इंसान बीमार पड़ता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है, वैसे जब तस्वीरों की उम्र हो जाती है, वो खांसने लगती हैं, तब वो उनके दवाखाने जाती हैं और तस्वीरों के भी डॉक्टर होते हैं। वैसे ये डॉक्टर एक हैं ओम प्रकाश सोनी साहब, इन्हें राजस्थान का राजा रवि वर्मा भी कहा जाता है। दोपहर को हमने इन्हें तकलीफ़ दी और बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें टाइम देने के लिए। हम ये जानना चाहते हैं कि ये प्रोसेस जो सुनने में बहुत आसान लगता है कि भाई एकादी कोई तो रंग कम हुआ होगा कहीं पे कूची फिरा के हो जाता है, ये इसको हम समझना चाहते हैं और आपके बारे में और चीज़ें। तो हमारे यहाँ ऐसा हो जाता है कि लोग नाम में काम ढूंढते हैं, आपके नाम में सोनी है तो सोनी साहब पेंटर साहब कैसे हो गए? नहीं, मेरे पिताजी ज्वेलर थे, फिर वो डिज़ाइनिंग का ड्राइंग का काम भी करते थे। अच्छा। तो ड्राइंग मैंने उनसे सीखा था, फिर मेरे गुरुजी थे यहाँ रमेश जी, उनसे मैंने ये पेंटिंग्स का काम सीखा और तब से अब तक कर ही रहा हूँ। 35 साल हो गए मुझे करते करते। अच्छा। और नॉर्मली ये होता है कि अलग अलग शैलियों में चित्रकारी होती है और किसी एक शैली में लोग पारंगत होते हैं, उसी को आगे लेके जाते हैं। मुझे आपके बारे में बताया गया कि आप लगभग हर शैली में काम कर लेते हैं। जी, मैं सभी शैलियों में काम कर लेता हूँ, सभी शैलियों में मैंने काम भी किया है और सभी शैलियों का चित्रों का, पुराने चित्रों का जो कालक्रम से नष्ट हो गए, कोई 200 साल पुराना, कोई 500 साल पुराना, कोई 400 साल पुराना, कोई 100 साल पुराना, उनका जीर्णोद्धार भी किया है मैंने, मतलब उनको रिपेयर भी किया, रेस्टोर भी किया है। तो पहले जैसी स्थिति में लाने के लिए। लगभग कितनी तस्वीरों की हम बात कर रहे हैं सर? मैंने कम से कम भी 7,000 से 10,000 के बीच में रेस्टोर किए, जिसमें पिछवाइयाँ भी है, ऑयल के पोर्ट्रेट्स भी है, ऑयल के पेंटिंग्स भी है, मिनीचर भी है, सभी शैलियों की मिनीचर पेंटिंग्स का रेस्टोर किया है मैंने। एक पिछवाई तो हमारे साथ पीछे रखी भी हुई है मेरे ख्याल। तो हम वो भी देखना चाहते थे और हम ही समझना चाहते थे कि किसी तस्वीर को किन चीज़ों से नुकसान पहुंच जाता है। आपके पास जो काम आता है उसमें क्या क्या आपने देखा है डैमेज? बहुत से पेंटिंग कोई जल गई है या किसी कारण से धुएं से ख़राब हो गई है, कोई डैमेज हो गई, उनके कलर टूट गए हैं, रंग टूट गए हैं उनके, या किसी वजह से कोई फॉल्ट की वजह से वो ख़राब हो गई, बारिश से पानी से ख़राब हो गई, उनको रेस्टोर करने का काम किया मैंने, उनको सब वापस पूर्व जैसी स्थिति में लाने का काम किया। अच्छा। और सर हर जो स्टाइल होता है पेंटिंग का उसमें अलग तरह के, आ जाइए हम थोड़ा सा गैलरी घूम लेते हैं आप लोग कि उस हर अलग तरीका होता है हाथ का भी और उसमें अलग अलग रंगों का, अलग अलग पिगमेंट्स का भी इस्तेमाल होता है। तो जब आपके पास कोई पेंटिंग आती है तो आप कैसे ये पता करते हैं कि इसमें ये पिगमेंट लगा होगा और ये इस शैली में ही काम करना पड़ेगा? भारत में बहुत सारी शैलियाँ, जैसे कांगड़ा, किशनगढ़, मेवाड़, देवगढ़, जोधपुर, जयपुर, बूंदी, कोटा, मुगल का, ये किशनगढ़, खूब सारी शैलियाँ हैं और सभी शैलियों में अलग 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 कलर काम में आए हैं, कि सारे खनिज रंग या फिर नेचुरल वनस्पति के कलर काम में आए हैं, तो उनको देख के उनका नॉलेज है, उसी के अनुसार उनको रेस्टोर करते हैं भाई कौन सी पेंटिंग में कौन सा कलर काम में लिया गया है। तो सर आप इन ये सारी जो पेंटिंग्स रेस्टोर करते हैं और यार खुद के लिए भी बनाते हैं, उनके लिए आप रंग कैसे बनाते हैं? ये जैसे येलो कलर, पीला कलर है, हड़ताल बोलते हैं इसको, इसमें मरकरी होता है पारा, इसको घोट के तैयार करते हैं, पीस के या फिर घिस के, और उस ये रेड कलर है, हिंगलू बोलते हैं इसको, इसका नाम हिंगलू है, इसमें भी मरकरी होता है, वजन होता है इसमें, ये भी ज़मीन से निकलता है, खनिज रंग बोलते हैं इनको सबको, इनको भी पीस के तैयार करते हैं, गोंद मिला के फिर और पेंटिंग में लगाते हैं। पुरानी पेंटिंगों में, प्राचीन पेंटिंग जितने भी थी सब में यही कलर काम में आए। ये भी वही है, ऑरेंज कलर है, इसमें ऑरेंज निकलता है, सिंदूर टाइप का बोलते हैं, ये काजल है, दीपक जला के और उससे भी तैयार करते हैं, काजल गोंद मिला के तैयार करते हैं। ये गोल्ड की लीव है जिसको बर्क बोलते हैं, बर्क तैयार करते हैं, शुद्ध सोने से तैयार होता है ये, इसको छाप के भी काम में लेते हैं गोंद लगा के, और इसका लिक्विड बना के भी काम में लेते हैं, जो गोल्ड पेंटिंग में जो गोल्ड चमकता है ना, वो इसी वजह से चमकता है, इससे ज्वेलरी डिज़ाइन ये सारे कार्य इसी से। अच्छा, एक चीज़ तो ये हो गई, अब मैं थोड़ा सा और हिस्ट्री में, तो जब नॉर्मली हमारे यहाँ ये होता है कि जो हमारे यहाँ काम होता है
वही बेटे कंटिन्यू करते हैं, तो आप पे इस तरह का कोई दबाव नहीं रहा कि हम तो भाई ज्वेलर्स हैं? नहीं नहीं, मेरा शौक था बचपन से पेंटिंग्स का, और मेरी रुचि थी पेंटिंग्स की, इसलिए मैं इस फील्ड में आया। एक एक रेस्टोरेशन का काम तो आप करते हैं, आपने खुद अपनी पेंटिंग्स भी खूब खूब बनाई हैं, उस वो कुछ देख सकते हैं हम? क्या यह लगी हुई है सर? अच्छा, ये सारा आपका कलेक्शन है? अच्छा, मेरा ही बनाया हुआ है। अच्छा, और ये किन किन शैलियों में बनी हुई है सर ये पेंटिंग्स? ये नाथद्वारा शैली की है, जैसे ये नाथद्वारा शैली की है। अच्छा, और ये जो ऊपर दीवारों में, ये सब मेरी खुद की बनाई हुई शैली है, ये मेरी शैली है। अच्छा, ये आपकी शैली, आपने कोई नाम देने के बारे में सोचा इनका? नहीं, बस मैं ऐसे बनाया, मैंने शौक से बना रखी है इनको। ये इनको आप ये कहते हैं वास्तविक चित्र जैसे ही। अच्छा, इनमें कोई शैली का प्रभाव नहीं है, ये मेरी खुद की बनाई हुई है, ये शैलीगत है, ये हाथी है जैसे बूंदी के हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताई जा रही थी कि आपके पेंटिंग्स में, मतलब और भी लोग काम करते हैं लेकिन आपके पेंटिंग्स में ज्वेलरी की डिटेल बहुत पक्की होती है, तो इसका आपके अब ये मेरे परंपरा से हमारे पूर्वजों का मेरे मन में आया हुआ भाव ये समझ लो आप भले। अच्छा, मुझे बताया गया कि आपने कई सारी तस्वीरें वैसे भी बनाई हैं जो फोटोग्राफ्स थी और फिर आपने उनकी पेंटिंग्स बनाई, और वैसे कुछ उदाहरण मेरे ख्याल यहाँ पर रखे हुए हैं ना? जी जी जी। ये कौन साहब हैं? ये महाराणा सज्जन सिंह जी का है। अच्छा, तो सज्जन सिंह जी पहले ये उदयपुर के महाराणा थे जिन्होंने सज्जनगढ़ ये बना हुआ ना, जी 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 बनवाया। तो इसमें सर जो हम ये सुनहरा रंग देख रहे हैं, ये गोल्ड है, प्योर गोल्ड है, असली सोना है? असली सोना है, जो सोने की लिप्स आती है, बर्क जिनको बोलते हैं, बर्क जो सोने को कूट कूट के तैयार करते हैं। अच्छा, उन्हीं से बनाया हुआ। सोने में कुछ और पड़ता होगा मेरे ख्याल? नहीं नहीं, उनको वो बर्क आते हैं, उनको घोट लेते हैं उसमें गोंद में। अच्छा, अच्छा। और वो लिक्विड बन जाता है उसका, फिर उससे वो करते हैं। ये भी उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह जी का है। अच्छा, ये फतेह सिंह जी, उनकी ये तस्वीर थी, ये उनके कैमरे का फोटोग्राफ है। अच्छा, और ये उनका चित्र। अच्छा, फिर एक बनाया हुआ। अच्छा, तो ऐसे भी आपने खूब काम किया? खूब खूब बनाए ऐसे पोर्ट्रेट्स। ये बूंदी वाले हैं। अच्छा, बूंदी के रघुवीर सिंह जी। अच्छा, ये भी बूंदी के रघुवीर सिंह जी का है। अच्छा, ये इनका फोटो, ये इनकी ब्लैक एंड वाइट है ये कलर में। तो और आप सिखाते भी हैं सर बच्चों को? बिल्कुल, मैंने कम से कम 20-25 स्टूडेंट तैयार किए जो अभी भी काम कर रहे हैं। और वो सब लोग यही काम, यही पेंटिंग्स ही करते हैं, मिनीचर का, मिनीचर में करते हैं सारे। अच्छा, आप मिनीचर्स भी बनाते हैं? मिनीचर्स और ऑयल। अच्छा, और पोर्ट्रेट्स। अच्छा, और रेस्टोरेशन, और ऊपर लाइफ साइज पोर्ट्रेट बहुत सारे देखे। हाँ बिल्कुल, उन्हीं से आपका नाम जी 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 वर्मा से जोड़ा जाता है। अच्छा, अब दो तीन चीज़ें मुझे पूछनी थी कि इस आर्ट का फ्यूचर आप कैसे देखते हैं, कितने यंग लोग आपको मिलते हैं कि हाँ दिलचस्पी लेते हैं और वो इस काम को करते नहीं हैं? अभी पहले तो लेते थे, आजकल तो बहुत कम लोग आते हैं इस फील्ड में, आते ही नहीं है, क्योंकि इसमें पेशेंस की ज़रूरत है, इसमें सीखने के लिए समय देना पड़ता है, और वो आजकल देखने में नहीं आता। और आपका एक शौक वो भी है, आप एंटिक्स भी खूब कलेक्ट करते हैं, वो शौक कैसे पड़ा? वो शुरू से ही है मेरे को, बचपन से एंटिक्स का, पुराने मंदिर, पुराने महल, इन सब चीज़ों को भी देखने का शौक था, और ये बचपन से ही था, मैं जब 7-8 साल की उम्र में था तब से था मेरे, और मेरे को शौक है ये खरीदने का। अच्छा, तो मेरे पास आते हैं तो मैं खरीद लेता हूँ, कलेक्ट कर लेता हूँ, और संग्रह में ही रखता हूँ। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, हमें वक्त देने के लिए। टीम हीरा फिलहाल राजस्थान में और भी कई स्टॉप्स लेने वाली है, वहाँ की लाइफ, वहाँ की पॉलिटिक्स और वहाँ की ज़िंदगी के बारे में आपको बताने वाली है। इस तरह के खूब सारे वीडियोज़ हम बनाने वाले हैं, उन सबको आप फॉलो करना चाहते हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए, और अगर आप हमारा कंटेंट यूट्यूब पर पसंद करते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तरुण के साथ उदयपुर से मैं हूं निखिल, शुक्रिया। खबरों में भी आ गया है पहले आओ पहले पाओ ऑफर, दी लल्लन टॉप ऐप एंड्रॉइड पर है ना, तो न्यूज़ का ख्याल करो, सबसे पहले इंस्टॉल करो।